ये हो कैसे गया? सबके मिला के 250 करोड़ रुपए थे, एक दिन में डूब गए। हाँ, फॉरेन की कंपनी थी, अच्छी खासी चल रही थी, पर अचानक एकदम से उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। तुमने पहले चेक नहीं किया था कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो हमारा पैसा? यार 2-4 रुपए की बात नहीं है, पूरे 250 करोड़ रुपए डूबे। 250 करोड़ हमारा तो डूबा ही डूबा, जिनसे कर्जा लिया उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम? फाइनेंसर लोग सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। अरे नाक में दम कर दिया उन लोगों ने मेरा। देखो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मैं कुछ भी कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। जयराज, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर ये पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब तो मैं रोड पर आ गया ना, ये तुमने क्या कर दिया जयराज? डॉक्टर साहब, आप भी जब पैसे लगा रहे थे आपने भी डॉक्यूमेंट्स देखे थे, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी आप लोगों के साथ में, और ना ही आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। आप लोग खुद अपनी मर्जी से आए थे मेरे पास डील करने। कुछ भी करो कैसे भी करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझे? मेरी बेटी नूपुर है, उसे अंदर रखो। आओ बेटा। हाय डैडी, हुआ क्या है यहाँ पे इतने सारे लोग? कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। लेकिन आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? डैडी हुआ क्या है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? संध्या, तुम इसे लेकर अंदर जाओ और जो भी जरूरी सामान है उसे पैक कर लो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, जाओ। अच्छा, लेकिन मामा, मामा हुआ क्या है? हमें मुसीबत में छोड़कर तुम यहाँ से खिसक रहे हो? अरे मैं खिसक नहीं रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग कुछ दिन रुक जाओ, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा, मेरा विश्वास रखो। अरे कोई पैसे वैसे नहीं डूबे हमारे, ये जयराज हम सबको बेवकूफ बना के भाग रहे हैं बस। कपिल सही कह रहा है जयराज, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जाओगे बस। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आओ मेरे साथ, एक आओ मेरे साथ, देखा तुम। फिलहाल ये शहर में रहना ठीक नहीं है, एक काम कर बेटा, तेरे पास भी जितनी ज्वेलरी है सब ले ले। बट मॉम, ऐसा हुआ क्या है, ये लाइट क्यों चली गई? पता नहीं, आज सुबह से 3 बार फ्यूज उड़ गया। नूपुर, जाके मेन स्विच तो देख। ओके मामा। ये लाइट को क्या हो गया यार, अभी तक क्यों नहीं आ रही? कहीं जयराज कोई होशियारी तो नहीं कर रहा? मैं कोई होशियारी नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है ना? ये देखो प्रॉपर्टी के पेपर्स। क्या हुआ ऐसे? जयराज, जयराज कुछ बोलते क्यों नहीं? कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आया ऐसे? अरे कुछ हार्ट अटैक नहीं आया, सिर्फ ढोंग कर रहा है ये। डॉक्टर साहब देखिए इसे जरा, जयराज, जयराज मर गया। जयराज किसने मारा इसे? किसी ने मारा। जयराज भागो, अरे भैया सुनो, आप लोग क्यों भाग रहे हैं? भैया सुनो तो सही, सुनो जयराज। क्या हुआ जयराज को? जयराज, 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 जयराज। गोली बिल्कुल दिल पे लग गई, बचना मुश्किल था सर। किसने मारा जयराज को?
मैंने पूछा किसने मारा जयराज को, किसने मारा? पता नहीं सर, नहीं पता कुछ। पता कैसे नहीं, कैसे पता नहीं? तुम लोग यहीं पर थे ना, यहीं पर थे या नहीं? हाँ सर। तो फिर देखा कैसे नहीं तुमने, किसने मारा? सर सर वो लाइट चली गई थी सर, इस वजह से अंधेरा हो गया तब सब। लाइट गई हुई थी? जब गन से फायर होता है तो चिंगारी निकलती है, आवाज भी आती है, तो देखा कैसे नहीं? सर ना ही चिंगारी निकली और ना ही कोई आवाज आई। ना ही चिंगारी निकली ना कोई आवाज आई, तो फिर साइलेंसर लगाया होगा तुम लोगों ने और मार दिया जयराज को। सर कुने इन्हीं लोगों में से कोई है, इन्हीं लोगों में से कोई। संध्या जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि इनमें से किसी ने जयराज जी का खून किया? क्या आपने देखा किसी को? नहीं सर, लेकिन ये लोग जयराज को गन दिखाकर धमका रहे थे और कह रहे थे अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग कुछ भी कर देंगे। और सर सर ये कपिल और ये उमंग दोनों के पास गन भी है। गन भी है? तुम दोनों के पास गन है? कहाँ है गन तुम्हारी, कहाँ है गन तुम्हारी? बताओ तुम्हारी गन कहाँ है, कहाँ है गन? सर मैंने मैंने डर के मारे सर गन बाहर फेंक दी सर। बाहर फेंक दी? अच्छा, और तुम्हारे तुम्हारी गन कहाँ है, गन कहाँ है तुम्हारे? सर मैंने अपनी गन बाथरूम में छुपा दिए। बाथरूम में छुपा दिए? सर और बुलेट चल भी कहीं नहीं। जाओ दोनों भी और दोनों गन लेकर आ। संध्या जी जरा बताइए क्या हुआ यहाँ पर? सर जयराज ने एक बिजनेस में 250 करोड़ रुपए लगाए थे, उनमें से ज्यादातर पैसे इन्हीं लोगों के थे। ओ। सर जैसे लाइट आई तो अचानक शोरगुल फिर से शुरू हो गया, तो मैं ये देखने के लिए आई तो अचानक मैंने कुणाल महेश मनोज और सुबोध को भागते हुए देखा। मैं भी उनके पीछे भागी पूछने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। और फिर मैं यहाँ आई तो जयराज को यहाँ और ये चारों लोग यहाँ खड़े थे, शाम यहाँ खड़े थे। सर दोनों गन मिल गई। वेरी गुड, फोरेंसिक लैब में भेज दो इन गन्स को, पता चल जाएगा किस गन में से गोली चली है। यस सर। संध्या जी एक बात बताइए, आपकी बेटी नुपुर उसे पता है यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, वो तो मेन स्विच चेक करने के लिए गई थी, तब से वापस ही नहीं आई। मेन स्विच चेक करने गई तब से वापस ही नहीं आई, कहाँ गई होगी फिर? पता नहीं सर। अच्छा आपका मेन स्विच कहाँ पर है घर का? नूपुर यहाँ आई थी, मेन स्विच चेक करने के बाद गई कहाँ? सर आसपास चेक करो। सर
चिल्ला गिरा है। सर, किसी के भी हाथ पे गनपाउडर नहीं है। साफ किया होगा और क्या? ये मत समझना फ्रेडी, इसका मतलब है इनमें से कोई भी खूनी नहीं है। एक बात ध्यान में रखना सब लोग, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, तुम में से कोई भी ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सील पे खून लगा है और खाल भी है। सर, कहीं नूपुर का किडनैप तो नहीं हो गया? हो सकता है। नूपुर जब मेन स्विच चेक करने आई तो किडनैपर से उसने हमला किया और उसी आतापाई में ये गमले गिर गए। और सर, जब वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा होगा तो उसका हाथ इस कील में फंस गया और फिर ये खून था। किसी एक आदमी का काम नहीं है ये खून और किडनैपिंग। ऐसा लगता है इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले चेहरा और अब मेरी बेटी नूपुर। संध्या जी प्लीज जरा धीरज रखिए। देखिए नूपुर को हम कुछ नहीं होने देंगे, ढूंढ निकालेंगे हम नूपुर को, विश्वास कीजिए। प्लीज शांत हो जाइए, रोइए मत, प्लीज मत रोइए। देखिए, अगर हमें ये पता लगाना है कि स्विच बोर्ड के पास जो खून मिला है वो नूपुर का है, तो हमें उसकी कुछ चीजें चाहिए। नूपुर का हेयर ब्रश होगा जिसमें से हमें बाल मिलेंगे, या फिर उसका टूथब्रश। सर, कल नूपुर का हाथ कट गया था, मैंने ही ड्रेसिंग की थी। जिस कॉटन से मैंने साफ किया था वो कॉटन मैंने किचन के डस्टबिन में डाला था। जा, वो कॉटन उठा। छोटा होल है, बुलेट निकाली नहीं अभी सर? अरे यार दया, वो एक्सीडेंट नहीं दिमाग घुमा दिया, तो मैंने सोचा आप लोग आ जाओ तो हमारा दिमाग खराब कर देंगे। हां और क्या, मैं अकेले ही क्यों भुगतूं भाई हैं। एनीवे ये देखो, छोटी गोली है सर। हां, ये छोटी सी गोली ये बोली। क्या ये छोटी सी गोली चुपचाप ये बोली, चली कहां से मैं ये भेद में ना खोली। फिर मैंने कहा, अरे ओ छोटी सी गोली, अगर ये भेद तू ना खोली तो फिर ये भेद कौन खोली? तो बोली सालों के तो ही लगा ले अपनी बोली। बेचारा मुर्दा रो रहा है, सालों के सब हंस रहे। हम इसलिए हंस रहे हैं फ्रेडी क्योंकि बात हमारी समझ में आ गई है, हमें मालूम चल गया। तुम हंसोगे कल सुबह। कल सुबह? कल क्यों? अरे जोक तुम्हें एक दिन बाद समझ में आता है ना यार। एनीवे मैं ये गोली निकाल के दिखाता हूं। इतनी छोटी सी गोली? हाँ, अब सोचो ये गोली इतनी छोटी सी है तो इसका शैल भी कितना छोटा सा होगा। पर सर, अगर शैल छोटा होगा तो उसके अंदर का बारूद भी कमी होगा। शैल छोटा है तो सर गन भी छोटी सी होगी। बिल्कुल। एक चीज और दिखाता हूँ, पूर्वी वो स्प्रे लेके आना।
बिल्कुल, ये गन पाउडर का रिएक्शन है दया, और ये रंग जितना ज्यादा गाढ़ा होता है गन पाउडर उतना ही ज्यादा होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत ज्यादा गन पाउडर है बॉस, नहीं तो ये रंग इतना गाढ़ा नहीं होता। मतलब जयराज को बहुत करीब से गोली मारी गई है, और सर खूनी उन 8 लोगों में से कोई है। सर घर पर तो नहीं है, लगता है वो लोग जयराज का खून करके छुप गए। कब तक छुपेंगे पूर्वी? उनकी गाड़ी का नंबर तो है ना? हाँ सर। एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करके पता करो कि इस वक्त वो गाड़ी है कहाँ। हेलो, गाड़ी नंबर MH06AB9215 इस वक्त कहाँ है बता सकते हैं? लगता है 2 आदमी है, संभालना, के पास हथियार भी हो सकते हैं। सर जयराज का क्या हुआ? जयराज अब नहीं रहा। तुम दोनों कहाँ पे हो अभी? हम दोनों साथ में। क्या फिर क्या हुआ? पता नहीं, हमारे भागने के बाद क्या हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पे CID आई थी। CID? हाँ CID। अरे जो मैं बोल रहा हूँ यार करो ना वैसा। देखो मुझे किसी भी हालत में आज ही यहाँ से निकलना है, ठीक है? कहीं का भी टिकट करवा दो यार, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, कहीं का भी, जहां पे भी वीजा ऑन अराइवल है ना वहीं का टिकट निकलवा दो, बट जल्दी करो प्लीज, इतनी गर्मी है यार यहाँ पे। सुना है 42 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। हमें भी साथ ले चलो, हमने क्या बिगाड़ा है? एक टिकट तो हो नहीं रहा है और तुम लोग भी आगे लिपटने के लिए। ना बड़ा शरीर और अंदर से बच्चा, कहां से पकड़ कर लाए हो इसे? अनाथ है बेचारा, बहुत संभालना पड़ता है, सिर्फ बीवी से डरता है और किसी से नहीं। ना। मैं भी जाऊंगा, मुझे भी जाना। हाँ हाँ हाँ, जब इसकी सटकती है ना तो हम लोग भी भाग जाते हैं। पर ये है कौन? हेलो, अभी भी लाइन पे है? हाँ? सुनो भैया, 4 टिकट हमारी भी करवा दो, फ्रेडी, दया, अभिजीत और वाइफ। वाइफ कैंसल, सब टिकट सुबोध जी के नाम पे। ए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, लगता है इसका दिमाग खराब होने वाला है। पर कहाँ? एक और स्वर्ग है जहाँ पे लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, हैं? CID ब्यूरो। हाँ हाँ चलो। सुनो, सब टिकट कैंसल। फोन करके गन छुपा रहा? सर मैंने जयराज को नहीं मारा सर, मैंने गोली नहीं चलाई थी। चल, पहली बात तो ये कि मैं मार ही नहीं सकता हूं कि तुम में से कोई नहीं है। गोली तो चली है, पर तुम लोगों के पास गन्स थी। गन्स थी या नहीं? थी या नहीं? जी सर, थी। गन्स थी। चलो मान लिया कि गोली कहीं हवा में से आई और जयराज को लग गई, पर तुम में से किसी ने भी नहीं चलाई। अगर तुम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई तो फिर अपनी गन्स क्यों छुपा दी? हा? क्यों छुपाई गन? हम लोग बस डर गए थे सर। डर गए थे। सुना तुमने, इनके पास गन्स थी फिर भी डर गए थे। चुप! अगर तुम में से किसी ने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? हाँ? किसने चलाई गोली? सर मेरे पास तो गन थी भी नहीं सर।
इन्हीं में से किसी ने मर्डर किया है सर। क्या हमने हमने मारा है उन्हें? हाँ, धमकी किसने दी थी? तूने धमकी नहीं दी थी उन्हें? बोल। हाँ, पर तुम भी तो बड़े थे ना जयराज की तरफ, पर तू भी तो था। अरे सबके सब थे वहां पर, सबके सब थे, सबके सब। एक बात ध्यान में रखना, तुम सबके सब फंसे हुए हो। अगर तुम में से एक भी सच बताएगा कि खून किसने किया है तो बाकी सब लोग छूट जाएंगे। तो जल्दी बताओ, बताओ किसने किया है, किसने चलाई गोली जयराज पर? सर, उस समय हम सब बहुत गुस्से में थे, बस गन दिखाकर डराना चाहते थे जयराज को हम सब। और डराने डराने में गोली चला दी। सब के सब जयराज के घर चलो और अब चुपचाप वहीं पे खड़े हो जाओ जहां पे खड़े थे जब जयराज को गोली लगी थी। वक्त नहीं है हमारे पास। क्या हुआ कपिल जी, याददाश्त कमजोर हो गई, भूल गए? सर सर मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ खड़ा था सर। सर हाँ सर, सर मैं यहाँ खड़ा था सर, ये इधर। हाँ सर। तो ये कपिल यहाँ पर खड़ा था? अच्छा, और सामने आप दोनों थे, डॉक्टर सुबोध और महेश, है ना? तुम यहाँ थे और तुम सबके हिसाब से, सबके हिसाब से जयराज जी यहाँ पर खड़े थे, हैं? तुम सबके साथ बात कर रहे थे, है ना? गुड गुड। विवेक जरा यहाँ के खड़े हो जाओ जयराज जी के लिए। अब दया देखते हैं किसने किया होगा। मुझे तो एक बड़ा शक है इनके ऊपर, कपिल के ऊपर। कपिल ने? हाँ कपिल ने। तो जयराज जी को गोली सीने में लगी थी और वो भी बाएं तरफ। हाँ, यहाँ इस तरफ। तो यहाँ से गोली चलाना जरा मुश्किल लगता है सर। सर सर मैंने गोली नहीं मारी सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ सर, सर मेरी बात का विश्वास कीजिए। चुप। मुश्किल लगता है इतने करीब से? हाँ सर मुश्किल है। अच्छा चल, अगर तुम कह रहे हो तो इसने नहीं चलाई होगी गोली, तो सामने से चली है और सामने तो डॉक्टर सुबोध और ये महेश है ना? कहिए क्या कहना है। सर हम लोगों ने नहीं मारा जयराज को सर। सर हम भला जयराज को क्यों मारेंगे सर? वो हमें पता नहीं क्यों। ये बताओ वो गन कहाँ है, कहाँ फेंकी वो गन? सर कौन सी गन सर? वही गन जिससे जयराज पर गोली चलाई थी तुमने, कहाँ पर है वो गन? सर हमारे पास कोई गन नहीं है सर। सर आप हमसे कसम खिलवा लीजिए सर, हमने जयराज को नहीं मारा है सर। हाँ सर, सर कसम से सर, सर हमने नहीं मारा सर। कसम तो ऐसे खा रहे हैं सर जैसे हलवा पूरी खा रहे हैं। सर आप कहे तो इन दोनों को लेकर अपने सेल में उगलवा लूं। अगर ऐसा है तो सर प्लीज सर हमारा विश्वास कीजिए सर। सर हमने जयराज को नहीं मारा सर। अगर इन दोनों ने भी गोली नहीं चलाई, कपिल ने भी गोली नहीं चलाई, तो फिर ये कुणाल, मधुर और सुधीर इन्होंने भी तो नहीं चलाई होगी, और ना इन दोनों ने भी, क्योंकि ये बेचारे तो यहां खड़े थे जयराज जी के पीछे इतनी दूर। अगर इनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई तो फिर गोली चली कैसे और चलाई भी किसने? इसका एक ही मतलब है दया, इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो जल्दी से बताओ किसने चलाई गोली। सब चुपचाप है दया, तो फिर एक ही रास्ता है सच उगलवाने का। तुम्हारे स्टाइल में उगलवा लो एक एक। चलो एक एक करके चलो। सर 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 ये उमंग झूठ बोल रहा है सर। सर ये यहां पर नहीं था। उमंग यहां पर नहीं था हैं? उमंग जी आप यहां पर नहीं थे? मैं वो सर कहां? वो कहां? मैं वहां पे खड़ा था सर, यहां पे खड़ा था सर। अच्छा उमंग जी, दया उमंग जी यहां पर खड़े थे। ये लाइट जाने से पहले या लाइट जाने के बाद? लाइट जाने से पहले यहां था, बाद में वहां चला गया था। अंधेरा होने से पहले तुम यहाँ पे खड़े थे और जब अंधेरा हुआ तब भी तुम यहीं पर थे। जैसे जयराज जी यहाँ से तुम्हारी तरफ पलटे बात करने के लिए, तुमने उन पे गोली चलाई और उसके बाद तुम वहाँ पे जाके खड़े हो गए। नहीं सर मैंने गोली नहीं मारी, मैंने गोली नहीं मारी सर, मैं सच बोल रहा हूँ।
सच बोल रहे हो तो ठीक है, पता लगा लेंगे कितना सच है कितना झूठ। विवेक ले चलो उमन को। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए सर, सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। उमंग, पता चला है कि जयराज ने तुम्हारे नाम पर कुछ प्रॉपर्टी की है, है? क्यों क्यों की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है? सर जयराज अक्सर मैं ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मेरे नाम से प्रॉपर्टीज खरीदा करता था। अच्छा, और वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तुमने जयराज को मार दिया है ना? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? ये तो पता नहीं सर, मैं तो जयराज के घर पर अपनी प्रॉपर्टीज के कागज चुराने गया था। तो कागज चुराने का तो मौका ही नहीं मिला कि अचानक किसी ने जयराज को गोली मार दी, और जैसे हम उसकी तरफ बढ़े कि कॉरिडोर में कुछ गिरने की आवाज आई। मैं वहां देखने गया सर, तो कोई वहां से भागा था। कौन था वो, तुमने देखा उसे? नहीं सर, अंधेरा होने की वजह से कुछ ढंग से दिखाई नहीं दिया। अंधेरा था, ढंग से दिखाई नहीं दिया। सचिन, वो जो भी आदमी कॉरिडोर से भागा है ना, वही नुपुर को लेकर गया है। जयराज के घर पर जितने भी लोग आए थे उन सब की गाड़ियां चेक करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना ही खून और ना पार्ट। ये कैसे हो सकता है? नुपुर को जरूर इन्हीं गाड़ी में से किसी गाड़ी में ले जाया गया है, कुछ तो मिलना ही चाहिए। जा, खून मिला है। कहाँ? सर यहाँ पैनल पे, और यहाँ सीट पर भी है सर। खून पोंछने की कोशिश की गई थी सर। गाड़ी है किसकी? सर ये कार मनोज की है सर। मनोज की कार है? यस सर। तो बस इस मनोज पर ध्यान रखो, देखो कहाँ कहाँ जाता है ये मनोज ही हमें पहुंचाएगा नूपुर तक। ये ब्लड रिपोर्ट है सर। हाँ गड़बड़। अरे लुट गए, एकदम लुट गए। आपको किसने चीट किया, वो भी डॉक्टर सालुनके को? अरे बॉस दिमाग उल्टा पुल्टा कर दिया इस रिपोर्ट ने, तो मामला ही पलट गया। क्या? ये देखो दया, ये तीन ब्लड रिपोर्ट है। कौन कौन सी? देखो ये उस खून की ब्लड रिपोर्ट है जो हमें मेन स्विच पर से मिला था। अरे दूसरी? ये दूसरी वाली उस खून की रिपोर्ट है जो हमें गाड़ी पर से मिला था। ये दोनों खून तो मैच हो गए। मैच हो गए? हाँ। मतलब जिसका खून हमें मेन स्विच के पास मिला था वही गाड़ी में जाके बैठा। हाँ। ठीक तो है सर, मनोज ने नुपुर पे हमला किया और फिर उसे गाड़ी में डाला और ले गया। अरे फ्रेडी, कभी कभी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तेरे दिमाग की बत्ती जला देता है, लेकिन भाई मेरे दिमाग की बत्ती जलाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे कभी तो मेरी बात मान लिया करो, उतना बेवकूफ नहीं हूं मैं जितना आप लोग समझते। क्या मान ले? देखो ये दोनों खून नुपुर के खून से मैच नहीं करते, ये खून नुपुर का नहीं है। सर इसका मतलब मेन स्विच के पास कोई और जख्मी हुआ था, नुपुर नहीं। तो और मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से, हम लोग को अभी तक लग रहा था कि नुपुर है। अगर ये नुपुर नहीं है तो फिर कौन है? क्या पता कौन है यार, यहाँ तो एक और मुसीबत आ पड़ी है। अब और क्या है सर? आओ बताता हूँ, ये मैंने आज ही देखा यार, और दिया अपनी खोपड़ी पे एक,
अरे ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखा यार? ये देखो, कुछ चमक रहा है, चांदी जैसा कुछ है। क्या गोली चांदी की बनी हुई थी? हो भी सकता है फ्रेडी। कमाल है, चांदी की गोलियां बनने लगी। वही तो यार, वो उस रोज स्प्रे किया था ना वो शर्ट पे, तो स्प्रे में छुप गया है। आज जब मैंने वापस घाव में मुंह डाला तो ये दिखाई दिया। अब देखना पड़ेगा कि ये गोली के साथ आई है या कहीं और से, और ये गोली वाकई चांदी की है या किसी और चीज की। चांदी की गोली? से मनुज यहां वहां देख रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। सुरभि, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, एक काज को काटो। सर चले। सर कोई और भी उसके साथ? शायद अकेला ही था, और तो कोई दिखा नहीं। पूर्वी, इसके साथ यहीं पर रहो। चलो। Oh my God! मनुज, किसने? क्या हुआ? हाँ? किसने मारी गोली? क्या बोलना चाहते हैं? से बंद है क्या? किसने गोली किसने चलाई? किसने मारी गोली? क्या बोलना चाहते हो तुम? नीचे कोई भी नहीं है और ना ही कोई खिड़की दरवाजे खुले हैं। यहाँ भी कोई नहीं है, ना ही कोई खुफिया रास्ता है, तो फिर ये गोली चलाई किसने? या तो ये किसी को तंग कर रहा था, या कोई और कारण था जिसकी वजह से किसी ने इसे नोच लिया। ये देखो, पूरे हाथ पर नाखूनों के निशान है। ये और ये पट्टी बांध रखी है जनाब ने। देखें आखिर इस पट्टी के अंदर है क्या। सचिन जरा इसका हाथ पकड़ो। ये देखो, मुझे लगता है कोई कील या कोई दूसरी नुकीली चीज घसीटी गई है इसके हाथ पर।
और ये सब उसी वक्त हुआ होगा जब ये नूपुर को घसीट रहा था। एक और चीज देखो, ये घाव, ये देखो, वैसी ही चमकदार चीज। ये घाव जयराज के घाव जैसे ही है सर। एक काम करते थे, इसकी कमीज को भी स्प्रे करके देखते। बॉस, स्प्रे करने से पता चल जाएगा कि गोली इसे करीब से मारी गई है या दूर से। ये देखो, भयंकर गन पाउडर है। काफी पास से गोली मारी गई है। बिल्कुल सचिन, तभी तो इतना सारा गन पाउडर आया है यहाँ पर। मतलब गन वही है और गोली भी वैसी है, तो शायद खूनी भी एक ही होगा। तो सर, जब गोली पास से मारी गई है तो खूनी को भी तो आसपास होना चाहिए ना। बिल्कुल, इनफैक्ट खूनी को तो बिल्कुल सामने होना चाहिए उसके। मगर सर ऐसा हुआ नहीं, जिस वक्त खून हुआ उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। अच्छा है, वेरी गुड सचिन, बहुत बढ़िया। आज तक मैं तुम लोगों को घुमाता था, आज तुम मुझे घुमा रहे हो। डॉक्टर साहब, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूं, बल्कि जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। और रियली डॉक्टर साहब, आज तक मैंने ऐसा कोई माइकलाल खूनी नहीं देखा जिसने दो आदमियों को गोली मारी है ठीक उसी जगह पे, जैसे कि नाप की गोली मारी गई हो, और दोनों लाशों पे ठीक उसी जगह पे गोली लगी है। कैसे? सर, जब जयराज को गोली लगी थी उसके घर में अंधेरा था, तो खूनी छुप सकता है, भाग सकता है। पर सर, जब मनुज को गोली लगी तब दिन था, लाइट थी जब मनुज का खून हुआ। मतलब मिस्टर इंडिया, घड़ी पहनी और गायब। हो सकता है फ्रेडी, बिल्कुल हो सकता है। सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, ये मजाक नहीं है, ये सच है। ये आदमी दिखता नहीं है मगर गोली चलाता है। हाँ सचिन, इस मनोज के घर पे एक बार फिर से जाके छानबीन करनी होगी। ये ना दिखने वाला खूनी शायद वहीं पे छुपके बैठा होगा। सर, मनोज इस कमरे में आया था, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। हाँ, तभी तो वो सीधे इसी कमरे में आया। किस लिए आया वो यहाँ पे? ये मनोज यहां पे गिरा पड़ा था, यहां पे ऐसे, और उसे गोली लगी थी छाती में। इसका मतलब है फायरिंग यहां इस तरफ से हुई है। कहीं वो गन यहां पे छुपी हुई तो नहीं है? मगर सर, हमने तो सब कुछ अच्छी तरह से चेक किया, यहां पर कोई गन नहीं है। हाँ, फिर भी मगर कुछ तो है जो हमसे मिस हो रहा है यहां पे। क्या क्या मिस हो रहा है? मनोज जब यहां पे मर रहा था तभी उसने अपने हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया ऐसे। ये खिड़की तो अंदर से बंद है, उसे क्या कहना चाह रहा था वो? सर, कहीं मनोज उस ब्रीफकेस के बारे में तो नहीं कह रहा था? सर, इस एंगल से खिड़की और ब्रीफकेस दोनों एक ही लाइन में, एक ही तरफ। हो सकता है इस ब्रीफकेस के अंदर कुछ हो जो मनोज हमें बताना चाहता था। वेट, तो चेक करो क्या है इसके अंदर। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया सर, वरना मैं तो गया था। ये ब्रीफकेस फायर भी करता है? हाँ, ये लॉक नहीं है, ट्रिगर है, और ये की होल, यहां से गोली बाहर निकलती है। अब समझ में आया कि जयराज को गोली कैसे लगी। मतलब सर, जयराज का खून मनुष्य ने किया था? नहीं,
मनुष्य को तो मालूम भी नहीं था कि इस ब्रीफकेस के अंदर गन है। सर तो फिर खूनी कौन हो सकता है? ये देखो, ये तार अलग से जुड़े हुए हैं। सर, पर ये तार जा कहाँ रहे हैं? जयराज की मौत के वक्त उस बंगले में जो जो लोग मौजूद थे, उन सबको बुलाओ। इस बार खूनी नहीं बचेगा। सर, पता चल गया डैडी का खून किसने किया है? अभी पता चल जाएगा कौन खूनी है वो, और वो खूनी इस वक्त यहां इस कमरे में मौजूद है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि उस रात जब आप लोगों की बहस हो रही थी जयराज से, तो जयराज अपनी सफाई में क्या कह रहे थे? यही कि डील डूब गई है और जिस कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया है ना? सर, कैसे विश्वास करते हम लोग उन पर? हमने हमारा एक एक पैसा लगा दिया था सर। हाँ सर, और सर जयराज उसी दिन ये शहर भी छोड़कर जाना चाहता था सर, इसलिए हम लोगों को लगा कि तुम लोगों को लगा कि जयराज पैसे लेके भाग रहा है। हाँ सर। सर लेकिन जयराज शायद उस दिन हम लोगों को कुछ पेपर्स भी दिखाना चाहता था, और वो उन पेपर्स को लेने के लिए उस तरफ गया भी था सर। उस तरफ? हाँ सर। कुछ था उस तरफ? पता नहीं, जैसे ही जयराज जी उस तरफ झुके तभी लाइट चली गई। लाइट चली गई और गोली चल गई, वो गोली जो तुम में से किसी ने भी नहीं चलाई। मगर ये गोली चलाई किसने? इसने। जब जयराज उस वक्त यहां झुके थे तब वो ये ब्रीफ केस उठाने वाले थे। हाँ सर, ये बैग तो था वहां पर उस वक्त। जयराज जी तुम लोगों को कुछ पेपर्स दिखाना चाहते थे, वो पेपर्स जो इस बैग में बंद थे, और उसी वक्त बत्ती गुल। लेकिन सर बाद में ये ब्रीफ केस यहाँ नहीं था। हाँ, मौका पाते ही मनोज ने ये ब्रीफ केस गायब कर दी। सर इसका मतलब इस ब्रीफ केस में पिस्तौल मनोज ने सेट की थी? नहीं, मनोज को पता भी नहीं था कि इस ब्रीफ केस में गन भी है। और जिस तरह से खूनी ने जयराज को मारा उसी तरह से मनोज को भी मारा। घर में अचानक लाइट का चले जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि जयराज को मारने का एक प्लान था, प्लान। पर सर जब लाइट गई थी तो हम सब यहीं पर थे, फिर मेन स्विच किसने ऑफ किया? कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। देखो संध्या, बेवकूफी मत करना, नुपुर तुम्हारी बेटी है। नहीं, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, जाने दो मुझे। संध्या, संध्या छोड़ो उसे। मम्मा, ये क्या कर रही है? मम्मा, आवाज नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो। मम्मा, आवाज मत करो, चलो। मम्मा, सारी प्लानिंग मेरी ही थी, मैंने जयराज और मनोज का खून किया है। वाह वाह, कमाल की बीवी है आप, और कमाल की माँ भी। पैसे के लिए पति को मार दिया और बेटी को बंदूक की नोक पर रख दिया। वाह वाह, वो मेरी सौतेली बेटी है, जयराज से मैंने शादी पैसे के लिए की थी, और जब ये 250 करोड़ की डील डूबी तो जयराज के साथ रिश्ता भी डूब गया है ना? अपने बेडरूम में मेन स्विच का दूसरा कनेक्शन आपने ही लगवाया, और वहीं से घर की लाइट भी काट दी ताकि किसी को पता न चले कि गोली चली कैसे और किसने चलाई। क्यों? पर तुम तो बेडरूम में थी ना, तुम्हें कैसे पता चला कि लाइट कब काटनी है? मुझे मनोज ने मिस कॉल देकर इशारा किया था।
लेकिन मनोज तो तुम्हारे साथ मिला हुआ था ना, तो उसे क्यों मारा तुमने? क्योंकि क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी आप संध्या जी, अच्छी खासी जिंदगी, मगर ये लालच, पैसे की लालच, माया, ना मिली माया और ना मिला राम, इसी पैसे ने तुम्हें आज फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।